एवरीवन, वेलकम टू कुक विद सीमा। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और स्वादिष्ट सी स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ, क्रिस्पी सूजी रिंग्स, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में ये इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट होती है कि एक बार आप अगर इसे बना लेंगे तो बाहर के आप सारे स्नैक्स खाना भूल जाएंगे। तो चलिए इस स्वादिष्ट और इंटरेस्टिंग सी स्नैक की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। क्रिस्पी सूजी रिंग्स बनाने के लिए एक पैन लेकर और उसमें हम एक बड़ा चम्मच बटर ऐड करेंगे। बटर को हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे। अगर आप चाहें तो बटर की जगह एक चम्मच ही आप तेल का भी यूज कर सकते हैं, पर इस स्नैक में बटर का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ मैं इसमें एक कप पानी ऐड कर रही हूँ और पानी को हमें बॉयल करना है। इसी बीच में हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, तो यहाँ मैं एक चम्मच चिली फ्लेक्स और नमक स्वाद के अनुसार ऐड कर रही हूँ, एक पिंच के करीब काली मिर्च पाउडर और एक चौथाई चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर भी ऐड कर देंगे। एक बार इन स्पाइसेस को पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और पानी को हम उबलने देंगे। तो पानी में अच्छी तरह से उबाल आ गया है, तो इस स्टेज पर इसमें अब हम आधा कप सूजी ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिससे कि सूजी में कोई लम्प्स ना रहे। और इसी तरह मिक्स करते हुए इसे हम गाढ़ा कर लेंगे। तो इस रेसिपी के लिए आपको मेजरमेंट का खास ध्यान रखना है। यहाँ एक कप पानी के लिए आधी कप सूजी मैंने ली है, तो जितनी सूजी लेनी है उसका दो गुना हम पानी लेंगे। सूजी को मीडियम फ्लेम पर पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और इसने डो का फॉर्म ले लिया है। तो अब इसे हम ढक कर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और तब तक चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू लेकर और उसे बॉयल कर लिया है। तो इन आलू को अब हम एक ग्रेटर के हेल्प से ग्रेट कर लेंगे। तो इस रेसिपी में हमें आलू को ग्रेट करके लेना है, जिससे कि आलू के बड़े चंक्स नहीं रहें और फिर जब हम इसके रिंग्स बनाएं तो काफ़ी स्मूथ रिंग्स बनकर तैयार हो। इसी तरह से मैंने सारे आलू ग्रेट कर लिए हैं और सूजी भी हमारी थोड़ी सी ठंडी हो गई है। तो अब इस सूजी को हम एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसी समय इसमें हम ग्रेट किया हुआ आलू भी ऐड कर देंगे। और इसे और ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसी समय इसमें 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हम फ्रेश हरा धनिया ऐड करेंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर ऐड हो जाता है। अगर आप चाहें तो इसी समय बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे अपने हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करते हुए स्मूथ कर लेंगे। तो मिक्सचर ने डो का फॉर्म ले लिया है। अभी ये थोड़ा सा स्टिकी है, हाथों में स्टिक हो रहा है, तो इसलिए हम हाथों में तेल लगाते हुए इसके रिंग्स बनाकर तैयार करेंगे। तो हाथों में थोड़ा सा तेल लगाकर और मिक्सचर का थोड़ा सा पोर्शन लेकर और उसे अपने हाथों के बीच घुमाते हुए इस तरह से हम गोल कर लेंगे और इसे हल्का सा चपटा करके और अपने अंगूठे से इसमें इस तरह के हम छेद बना देंगे, तो इससे ये रिंग के शेप में आ जाता है। तो बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाती है और ये रिंग्स देखने में बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह से ऑयल इसके अंदर तक जाता है और अच्छे से फ्राई होने पर ये काफ़ी क्रिस्प बनके तैयार होता है। तो मैं आपको एक तरीका और बता रही हूँ रिंग्स बनाने के। तो फिर से डो का थोड़ा सा पोर्शन लेकर और इसे अपने दोनों हथेलियों के बीच इस तरह से घुमाते हुए हम एक रोल बना लेंगे। तो रोल की मोटाई हम मीडियम रखेंगे और इसे इस तरह से ज्वाइन करके हम रिंग का शेप दे देंगे। तो आप अगर इसे चाहें तो सिंपली रोल के शेप में भी बना सकते हैं। तो दूसरा रिंग भी मैंने तैयार कर लिया है। तो आपको जो भी मेथड इजी लगे उस तरह से आप इन रिंग्स को तैयार कर लें, या सिंपली आप इसे गोल टिक्की के रूप में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने सारे रिंग्स तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने तेल गर्म होने रख दिया है। जैसे ही ये मीडियम हॉट होता है इसमें हम एक एक करके रिंग्स डाल देंगे। तो बस आपको फ्राई करते वक्त ध्यान रखना है कि तेल को हमें अच्छी तरह से गर्म करना है। अगर तेल गर्म होगा तो फिर ईयरिंग्स ऑयल में जाकर फट जाएंगे और तुरंत ही इसे हमें नहीं पलटना है। 1 से 2 मिनट बाद जब ये खुद से ऊपर आ जाते हैं उसके बाद हम इसे पलटेंगे। और थोड़ी थोड़ी देर पर पलटते हुए इसे हम नाइस गोल्डन कलर का होने तक फ्राई कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत अच्छा सा क्रिस्प गोल्डन कलर आ गया है।
तो अब हम इसे इस तरह से निकाल कर एक पेपर टॉल पे रख देंगे और इसी तरह से हम दूसरा बैच भी फ्राई होने के लिए रख देंगे। इस रेसिपी के लिए हमने सूजी को बहुत अच्छे से पका लिया है और आलू को भी हमने उबाल कर यूज किया है, तो इसे आप मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से क्रिस्प गोल्डन होने तक फ्राई करें। दूसरा बैच भी हमारा रेडी हो गया है, तो आप देख सकते हैं देखने से ही बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प और टेम्पटिंग लग रहा है और खाने में भी इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो आई होप आज की ये क्रिस्पी सूजी रिंग्स की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ बहुत जल्द आपसे ऐसी ही नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।